मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। फेसबुक पर देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि मुमरा कौसा का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें एक नाम जो है शिवसेना ने ला के जो है जैसे कहते हैं रंग में भंग डालना, वो काम किया है दीपाली सैयद। और ये नाम जो है कोई छोटा नाम नहीं है। और दीपाली सैयद को जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये पब्लिक चैनल दिखाता है। और हमसे आप पूछिए कि दीपाली सैयद आखिर है क्या? सांगली कोल्हापुर के अंदर दीपाली सैयद ने 1000 लड़कियों की शादी करने की जिम्मेदारी ली, क्योंकि वहां पर जो है अभी आपको पता होगा कि बहुत सारी परेशानियां आई थी सांगली कोल्हापुर के अंदर। सैलाब आया था, लोगों तबाह हो गए उसके अंदर। इसके चलते हुए उन्होंने अपने संस्था से जो है 5 कोटी जो है रुपया जो है उन्होंने खर्च करने का ऐलान किया। 1000 लड़कियों की शादी करने का उन्होंने जिम्मा उठाया है। आइए देखिए कि दीपाली सैयद किस तरीके से कोल्हापुर के गली गली में उन्होंने घूम के जो है वहां पे सर्वे किया और किस तरीके से लोगों के सामने वो पेश आती हैं। तो ये चेहरा जो है वाकई मुमरा कौसा के लिए अगर उतारा गया है तो बड़ा एक अच्छा चेहरा और बड़ा एक हमदर्द वाला, अपनों को जोड़ने वाला चेहरा उतारा गया है। प्रत्येक स्त्री मध्ये जाशीची राणी लपलेली आहे, पण ती काढता येत नाही प्रत्येकाला। आपल्या आतल्या आतली स्त्रीला जागवा, आपल्या स्वतःवर विश्वास ठेवा की आपण काय करू शकतो। आपल्या मुलींना शिकवा। अरे मेरी जीत, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब उठा गया। ये चीजें जो है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि शायद ही आप लोगों की आंखें खुल जाए, क्योंकि मुमरा कौसा में आप ऐसा मत देखिए कि हाँ वो फिल्म लाइन वाली है या हीरोइन है तो वो कुछ काम नहीं करेगी और लोगों की समस्या वो जानती है और लोगों के बीच में रहना भी वो जानती है। तो वो पहले से एक अच्छा अपना सोशल वर्क जो है अच्छा निभा रही है और अच्छी जिम्मेदारी वो निभा रही है, यही वजह है। अब देखना ये है मैदान में कि ये सीट शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। दिलचस्प जो नजारा रहेगा वो यही रहेगा, हमारी नजर बनी हुई रहेगी इस इलेक्शन के हर पल की खबर पर। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूंगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।